तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है? ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है इसकी, या फिर क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दोनों ही कह सकते हैं। स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, और क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, कुछ भी कह सकते हैं। मैं दोनों लिख रही हूँ आपके लिए। स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं, टोटल 7 कैटेगरीज। ये कभी पूछा भी जा सकता है कि उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो उसको भी याद कर लेना। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है और क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। तो देखते हैं 7th को, मतलब 7 के 7 को। पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और इसमें क्या होता है, जो सिमिलैरिटीज होती हैं, जितनी सिमिलैरिटीज़ यहाँ होगी ना, वो यहाँ से ऊपर तक घटती चली जाएगी। जैसे इस स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके अंदर बहुत सिमिलैरिटी होगी, जीनस में जाएंगे उन ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सिमिलैरिटीज होगी, फिर ऐसे ऐसे कम कम हो जाएगी। किंगडम में बहुत ही कम, जो किंगडम होगा उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी कम होगी, बहुत सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा स्पीसीज में होगी। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होगा वो डिक्रीज होगा स्पीशीज से किंगडम तक। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्पीशीज है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगे, फिर यहाँ पे उससे कम, 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 यहाँ पे उससे, फिर यहाँ पे सबसे कम। इसका मतलब यही है, और इनको भी आप याद कर लेना। मैं एक बार और पढ़ लेती हूँ जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। फर्स्ट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब हम देखते हैं टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन, टैक्सोन मतलब जैसे कि इन सब कैटेगरीज में से हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम टैक्सन कहते हैं। फ्रॉम दीज 7 कैटेगरी व्हेन वी टॉक अबाउट वन कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सन। आप इसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, तो मैंने अपने से बना के लिखी है। मतलब इन 7 में से
किसी एक के ऊपर भी हम पर्टिकुलर में इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम टैक्सन कहते हैं। सेवन यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी।